हेलो एंड वेलकम बैक टू इथीवर्स गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था द कॉजेस ऑफ एक्ने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डूज एंड डोंट्स। मेकअप रिमूवर एंड अ मॉइस्चराइजर। लाइक मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत बार ये गलती की है कि मैंने यू नो मेकअप रिमूवर को अंडर एस्टिमेट कर लिया। लाइक नॉट अंडर एस्टिमेट किया, बट आई वॉज स्केर्ड टू यूज़ अ मेकअप रिमूवर बिकॉज यूजली वैसे भी मेरे स्किन पे कुछ सूट नहीं होता है। तो आई थॉट कि मेकअप रिमूवर के वजह से भी शायद कुछ हो सकता है। तो आई यूज़ टू यूज़ माई डेली यू नो मॉइस्चराइजर टू रिमूव द मेकअप। बट वॉट हैपन्स यू नो मॉइस्चराइजर में कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल होता है, ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, तो इट्स स्टेज ऑन आवर स्किन वेन वी रिमूव द मेकअप। एंड बाद में जब हम फेस वॉश करने जाते हैं तो वो ऑयल वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है एंड कुछ मेकअप रह जाता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं अपने स्किन पे जो अपने पोर्स को क्लॉक कर सकता है और उसकी वजह से एक्ने होता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। द नेक्स्ट टू एंड डोंट इज फूड। व्हाट शैल वी ईट, व्हाट शैल वी नॉट ईट। Like I will not say don't eat, like you should avoid eating very oily, spicy and junk food. Like ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है because I love that and I can't go with you know very healthy food regularly. I can't eat that regularly, but you know what, just keep a balanced diet. अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी खाओगे तो भी आपके टेस्ट बड्स पे इफेक्ट पड़ेगा, लाइक जैसे मेरे पड़ता है। So yeah, just keep a balanced diet. Just don't eat a lot of junk food. वो आपके वेट पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके स्किन पे सब पे इफेक्ट करेगा। So just be balanced. So the next do and don't is that when you are sweating, जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो डायरेक्टली जाके फ़ैन के नीचे या फिर यू नो एसी में मत बैठिए, बिकॉज मैंने वो बहुत बार किया है। जब यू नो आई यूज़ टू गो टू माई ऑफिस एंड आई स्वेट अलॉट, आई स्वेट लाइक बैठे बैठे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लाइक अभी जो आ रहा है मुझे। सो आई स्वेट अलॉट एंड मैं ऐसा करती थी कि लाइक जब मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मैं डायरेक्टली जाके फ़ैन के नीचे या फिर एसी में बैठ जाती हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके स्वेट में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स अटके हुए होते हैं या फिर यू नो लाइक व्हेन यू ट्रैवल तो इट स्टिक्स देयर। सो उसकी वजह से वो आपके स्किन पे रह जाते हैं एंड देन रिएक्शंस होते हैं स्किन को। सो ऐसी गलती ना करें, ऑलवेज यू नो वाइप योर पसीना, वाइप योर स्वेट विद सम नाइस टिश्यूज, सम वेट टिश्यूज, या फिर आपके फेस को अच्छे से धोइए और फिर अच्छे नैपकिन के साथ पोछिए। That's it. Just keep your face clean. Just keep your body clean. Okay. So the next is आप कोई भी राह चलता social media trending makeup routine follow ना कीजिए। उसके वजह से भी आपके skin पे बहुत ज़्यादा effect पड़ सकता है। Like I was saying this makeup routine जहाँ पे आप पहले base पे अपना you know powder pack कर लेते हो और उसके ऊपर आप foundation लगाते हो। वो कुछ कुछ areas में suitable है, but in places like India and all वो आपके फेस पे बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आपके फेस पे सडन रिएक्शंस होंगे। सो डोंट एवर डू दैट, डोंट डू दैट टू योर स्किन एट ऑल। नेक्स्ट डू एंड डोंट इज अवॉइड यूजिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिंस एंड प्रेफर यूजिंग वाटर। लाइक वाटर इज़ द नेचुरल प्यूरिफायर फॉर योर बॉडी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिंस में लगे रहोगे तो यू नो आपके बॉडी को वो वाली आदत लग जाएगी कि यार मेडिसिंस के अलावा तो मेरी बॉडी प्यूरिफाई होने वाली नहीं है, तो आप बार बार मेडिसिंस लेते रहोगे। बट बिलीव मी, वाटर इज़ द बेस्ट प्यूरिफायर। अगर आप अपने बॉडी को नेचुरली प्यूरिफाई होने का मौका दोगे, उसको वो आदत लगेगी, तो आप भी हेल्दी फील करोगे अंदर से। सो बस बहुत सारा पानी पीजिए, वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों बहुत सारा पानी पीते रहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा और उतने कम चांसेस होंगे आपके एक्ने आने के। कोई भी ब्यूटी कैप्सूल्स खाने से अच्छा है कि कोई विटामिन सी वाले यू नो फ्रूट्स खा लो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट नेचुरली। तो ये थे हमारे डूज एंड डोंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट। आर यू रियली एक्साइटेड? बिकॉज आई एम नॉट, आई एम नर्वस। So now that we are done with the do's and don'ts, अब हम देखेंगे स्किन केयर रूटीन, जिसका वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट थर्सडे। सो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन सी यू।